नित्य श्री माता नंदा है और मेरे साथ है माँ नित्य योग तत्वानंदा। इस वीडियो में हम सन्यास के बारे में बात करेंगे। तो माँ योग तत्व, आजकल हमने भी देखा है बाहर कि लोग समझते हैं कि सन्यास मतलब तुम लोग हम सब कुछ लाइक छोड़ कर आ जाते हैं, वो लाइक मतलब हमारा कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता, इसलिए हम सन्यास लेते हैं। आपको क्या इसके बारे में कहना है? मुझे लगता है कि जब मैंने अपने परिवार को कहा था कि मैं सन्यास लूंगी तो सब लोग कह रहे थे कि आप भिक्षा में रहोगे, खाना नहीं रहेगा तुम्हारा, क्या तुम यहाँ वहाँ घूमती रहोगी? पर ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे तो हम बिल्कुल राज और सन्यासी जैसे रहते हैं। यहाँ पे हम लोग सन्यासी का जीवन धारण करते पर राजा जैसे रहते हैं। मैं अपना अनुभव भी शेयर करना चाहती हूँ इसमें। जब मैंने अपने परिवार को बोला मुझे सन्यास लेना है तो वो लिटरली मेरे ऊपर हंस रहे थे कि हाँ तू सन्यास लेगी, कैसे जिएगी, रास्ते पे रहना पड़ेगा, कपड़े भी ठीक से नहीं होंगे, भीख मांगनी पड़ेगी सबसे, खाना नहीं रहेगा, यहाँ उधर भटकना होगा, लाइक ज्वेल्स नहीं होंगे, स्नान करने के लिए पानी नहीं होगा। लेकिन मैंने तभी उनसे कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं स्वामी जी की बेटी हूँ, वो मेरा ख्याल रखेंगे। तब वो मुझ पर और भी हंस पड़े। वो बोले कि स्वामी जी तुझे भेज देंगे कहीं और तू क्या करेगी? तब फिर मैंने बोला तुम लोग छोड़ दो, मुझे नहीं बात करना आपसे। फिर उसके बाद मैं यहाँ आई, मैंने मम्मी पापा से बात की, उन्होंने कहा ठीक है तुम ले लो सन्यास जी है। तो जब और अभी मेरी जो लाइफ स्टाइल है, जो उन्होंने बोला था रास्ते पे रहना पड़ेगा, भीख मांगनी पड़ेगी, खाना नहीं रहेगा, स्नान नहीं कर पाओगी, वैसा कुछ नहीं है। मतलब हर रोज स्नान हम लोग वैद्य सरोवर में करते हैं और लाइक मतलब वैद्य सरोवर का जो लिंगम है शिवलिंगम, वो आयुर्वेदिक लिंगम है, मतलब उसके उसमें बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, तो हम उसके नीचे स्नान करते हैं। और एक्चुअल में वैद्य सरोवर में जो आयुर्वेद में जो नौ नवपाषाण का जो औषध बताया हुआ है वही उसी से बना है, वो 21 फीट बड़ा है, तो हम उसी में नहाते हैं। और भिक्षा मांगने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पिताश्री राजा हैं। मतलब अगर आप ही बोलिए, अगर आपके पिता कोई राजा है, किसी बहुत बड़े जगह के राजा, आप कभी जाओगे किसी कटोरों के साथ किसी घर में, माँ भिक्षा दीजिए, खाना नहीं है? नहीं ना, ये नहीं करेंगे। लोग हमसे पूछेंगे, लोग हमारे पास आते हैं हमसे आशीर्वाद लेने के लिए और हमसे ब्लेसिंग्स मांगने के लिए। तो मतलब जो हमें बताया गया था कि सन्यास क्या है और जो सन्यास है वो बहुत अलग है। सो अगर आपको ये लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस अनुभव करना है तो आइए और हमारे कुटुंब, हमारे परिवार में भाग लीजिए। थैंक यू नित्यानंदम।